यू नो सर, काफ़ी सालों से देखा जा रहा है कि जब हम स्कूटर के बारे में बात करते थे, सो इट वॉज ऑलवेज यू से अ वुमन राइड्स अ स्कूटर, अ मैन राइड्स अ बाइक, बट आई थिंक आज ज़माना इक्वालिटी के बारे में है. आई थिंक अ वुमन एंड मैन आर कम्प्लीटली इक्वल टू इच अदर. यू सी सो मेनी वुमेन नाउडेज राइडिंग बाइक्स एंड सच हैवी बाइक्स, सो आई थिंक कोई खराबी नहीं है इफ अ बॉय राइड्स अ स्कूटर. आई पर्सनली लव राइडिंग अ स्कूटर. आई थिंक इट्स सुपर माइलेज, इट्स ईजी हैंडलिंग, स्पेशली जो हमारे मुंबई में जो ट्रैफिक है, पार्किंग स्पेस नहीं होती, इट्स रियली ईजी. ना गियर्स होते हैं. ऑफकोर्स वेयरिंग अ हेलमेट सर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक रोड सेफ्टी इज समथिंग वी ऑल मस्ट फॉलो. वी शुड नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव. वी शुड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड वी शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. मैंने एक्चुअली रॉकस्टार में चलाई थी एक बाइक. आई थिंक दैट्स द ओनली फिल्म वेयर आई हैव रिडन अ बाइक. बट आई थिंक अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि यू नो मैं किसी को डबल सीट लेके जाऊँ. आई एम स्टिल लर्निंग. ऑफकोर्स कौन कटरीना के पीछे बाइक पे नहीं बैठना चाहेगा, बट लाइक आई सेड यू नो इट्स वेरी हार्ड टू टेक समबडी डबल सीट. बहुत कंट्रोल होता है एंड बैलेंस होता है. अभी तक फिलहाल मैंने आई हैव नॉट टेकन एनीबडी डबल सीट, नॉर आई हैव रिडन अ मोटर बाइक विच इज़ एज हैवी एज द बाइक शी रोड. बट जब आई गेस प्रैक्टिस अच्छी होगी तो देन आई probably ask her. Actually, whenever you also ask me about the pictures, I always say, you know, when the Ibiza pictures came, you'll ask me questions, I spoke about it. Now we're doing a movie together. We were shooting Jagga Jasoos in Cape Town. So of course, pictures will come out and we both are actors. That's all I have to say. Pata nahi sabko kya kya pata hai, but like I said, sabki life, unki life hoti hai. Bahut kuch likha jata hai aapke baare mein. Pehle jab I used to speak about my relationship, that became the talking point of my life. Main actor hoon. You know, I'm starting my career, abhi 7 saal ho gaye. So I would really like, ke, you know, when I come to press conferences like that, you all ask me about Bombay Velvet, you ask me about am I over the Besharam failure. But jab aise questions bar bar aate, then you feel ke, yaar, this has become your life. You know, people are only interested to know about that. So like I said, all I have to do is, I guess, work harder, ke aap aur aapke saamne jo madam baithi hai, wo aap mujhe mere मेरे फिल्मों के बारे में बात करें. आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट दैन माई पर्सनल लाइफ. वेल आई थिंक एक आइडेंटिफिकेशन, अगर आप खुद बिलीव नहीं करते इन द प्रोडक्ट यू एंडोर्स, हाउ विल यू सेल इट? इट्स लाइक इट्स द सेम थिंग कि एज एन एक्टर आप स्क्रिप्ट कैसे सेलेक्ट करते हो. अगर आपको कैरेक्टर पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि इस फिल्म में कुछ बात है जो आप यू नो अपने जरिए कुछ कह सकते हो, देन यू जंप ऑन इट. सो दैट्स बीन क्लियर. यू नो ऑल द प्रोडक्ट्स आई एंडोर्स, आई बिलीव इन दैम, आई यूज दैम माई सेल्फ. दैट्स एज सिंपल एज दैट.